हेलो माय लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अनुषा। हेलो माय लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड फैशन विद यशोदिया, इट्स मी अनुषा। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड अपने घर पे सेफ होंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम। आई नो मैं बहुत टाइम बाद ये वीडियो शूट कर रही हूँ, मतलब एक हॉल जो कि एक मीशो हॉल होने वाला। आई नो कि आपको ये हॉल्स बहुत पसंद आते हैं एंड मैं कुछ रीजंस की वजह से बिजी थी, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। सो आई नो थंबनेल एंड टाइटल देखकर तो आपको पता चल गया होगा कि वीडियो किसके ऊपर है। सो मीशो ज्वेलरी हॉल, ह्यूज ज्वेलरी हॉल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज काफ़ी टाइम से मीन्स 2-3 मंथ के अराउंड मैंने ना काफ़ी सारी शॉपिंग की है ज्वेलरीज की, तो मैं आपको सभी के बॉक्स जो सेम है वो तो नहीं दिखा पाऊंगी, बट मैं आपको बता दूंगी कि पैकेजिंग कैसी कैसी आई थी और कैसी नहीं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। सो सॉरी, मेरी दी की बेटी आ गई थी तो मैं सी को ही देख रही थी। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड गाइस आप देख रहे होंगे मैंने नेक पे भी कुछ वेयर नहीं किया, ऑल्सो मैंने कानों पे भी कुछ वेयर नहीं किया, बिकॉज मैं ज्वेलरी हॉल है तो मैं आपको सब ट्राई ऑन करके दिखाऊंगी, तो इस वजह से बार बार चेंज करना पड़ता है, तो मैंने पहले से ही निकाल के रख दिए। सो ज्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करने वाला है, बिकॉज ह्यूज हॉल होने वाला है, काफी सारी चीजें मैंने परचेज करी हैं, ऑल्सो गाइस ट्रेंडी भी है, तो भर भर के शेयर कीजिएगा। और तो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो गाइस। फर्स्ट मैं आपको ना एक बहुत ही बेस्ट चीज सिखाऊंगी जो एक विमेंस के लिए भी, ऑल्सो गर्ल्स के लिए भी, जिनको ये चीज वेयर करना पसंद है उनको ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी, तो वो क्या है तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस इसमें ये देखो, दिख रहा है आपको यहाँ से, दिख रहा है ये देखो, इसमें है कलरफुल बैंगल्स। एंड गाइज ये जो बॉक्स है ना, ये जो बैग है पूरा, ये भी ये बैंगल बॉक्स ही है, ये भी मैंने मीशो से ही परचेज किया। इनके साथ आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो है एक बहुत बड़ा सा बॉक्स टाइप था गत्ते का सा, तो वो थोड़ा टूट सा रहा था, तो मेरी ज्वेलरी ये टूट ना जाए बैंगल्स, दैट्स वाई। वैसे तो वो बहुत अच्छे से रैप अप होके आए थे, अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से आए ताकि कोई भी चीज डैमेज ना हो, बहुत अच्छे तरीके से आए थे, बट जिसका बाहर से बॉक्स ना थोड़ा सा डैमेज हो रहा था, बट अंदर से बहुत अच्छे से वो रैप अप होके आए थे। तो मैंने ना ये बॉक्स मंगाया और इसमें ही सारी चीजें रख ली, तो आप ना स्क्रीन पे देख सकते हैं सारी बैंगल्स। बैंगल्स की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, 12 बैंगल्स मिल जाते हैं आपको इसमें, 12 कलर्स के शेड्स के बैंगल्स मिल जाते हैं, एंड इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, और ये आपको वेलवेट फिनिश में मिल जाते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये सारे 12 कलर्स, काफी अच्छे कलर हैं, सॉलिड कलर्स हैं, और इनके और भी शेड्स हैं, अगर आप चाहें तो उनमें भी अप्लाई मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो गाइस। और इनकी ना, इन बैंगल्स की खास बात मैं बताऊं कि इसमें आपको सारे शेड्स में 12 बैंगल्स मिल जाती है और 12 शेड्स मिल जाते हैं, और ये है 400 के अराउंड के बैंगल्स आपको मिलती हैं, ये इसकी बेस्ट पार्ट है। और सो अगर आप अलग अलग शेड्स लेते हैं ना, तो आपको 100 रुपीज पर शेड पड़ता है, तो उसके लिए आप ये देख सकते हो कि कितना ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा अगर हम अलग अलग शेड्स लेते हैं। तो आप ये सारे शेड्स एक साथ लोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा फायदा रहेगा, तो कोई भी चीज आप लो ना तो कॉम्बो में लो मीशो से, तो उसमें काफी ज्यादा फायदा रहता है। तो मैं आपको अभी जो भी दिखाऊंगी ना वो ज्यादातर कॉम्बो में ही है, तो चीजें आपको हेल्पफुल भी रहेंगी, पैसे भी कम वेस्ट होंगे और आपको चीजें पसंद भी आएंगी। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि सभी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई भी बैंगल टूटी हुई नहीं थी, कोई भी खराब नहीं थी, काफी अच्छे बैंगल्स हैं, और ये सभी मैं बैंगल्स पहन चुकी हूँ, सो मुझे बहुत अच्छी लगी। सो इसके लिए थम्स अप, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के एंड प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ पाएंगे, तो इनको आप जरूर परचेस कीजिएगा जिनको बैंगल्स वगैरह पहनना पसंद है। लाइक जो मैरिड भी हैं उनको, जैसे कि जैसे कहीं जाते हैं तो हर साड़ी के लिए या हर सूट के लिए अलग अलग चूड़ियां लेनी पड़ती हैं, तो वो चीज ना लेकर आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो काफी ज्यादा प्रॉफिट रहेगी आपको, तो आप इनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। और इसमें ना, इस बॉक्स में ना बैंगल्स बहुत सेफ रहती है, देखो ये आपको 6 शेड्स दिख रहे हैं, ये व्हाइट, मरून, ऑरेंज, पिंक, ग्रीन और ये पर्पल, और उसके बाद देखो यहाँ पे है ये कुछ सी ग्रीन टाइप का, ये है रेड, ये है ब्लैक, ये है पिंक, लाइट पिंक, ये है डार्क पिंक जो रानी पिंक होता है, और ये है घिया ग्रीन होता है ना, वो वाला ग्रीन है ये, ठीक है। सो ये 12 शेड्स आपको मिल जाते हैं, सो जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो फर्स्ट प्रोडक्ट था मेरा ये, सॉरी। उसके बाद जो नेक्स्ट है कॉम्बो में ही अगेन, वो है ये चोकर सेट। इसमें ना आपको 3 शेड्स मिल जाते हैं, तो आपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा। सो मैंने लिया था, ये लिया है मैंने कॉपर में और एक लिया है ब्लैक में। एंड गाइज ये मुझे कुछ 189 या 199 के अराउंड पड़ा था, तो आप लगा सकते हो कि ये मुझे 100 रुपीज का मान लो, अगर 200 का भी है तो प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये कुछ इस टाइप से है, जैसे आप चोटी बनाते हो ना, तो ये कुछ उस टाइप से आपको ये पूरा पैटर्न मिल जाता है, और काफी अच्छी क्वालिटी मुझे मिली है, और ये कुछ इस टाइप से होता है, आपने इसको ऐसे टक कर सकते हो। लाइक सी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, वेट,
तो मैं आपको वेयर करके दिखाऊंगी ना, तो आपको एक तरीका पता चल जाएगा, ठीक है? सो वेट, मैं ये ऐसे करके चोकर की तरह आ जाता है सी। ये आपके वेस्टर्न पे भी और एथनिक पे भी, दोनों पे ही जाता है। काफी प्यारा लगता है, यूनिक सा लगता है, पहनने के बाद भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हैं क्वालिटी मुझे 10/10 रिसीव हुई है। उसमें ना उसका लॉक निकल गया, उसको मैं ठीक कर लूंगी। तो ये प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं, मुझे ये काफी अच्छे लगे। और जो कॉम्बो में लेते हैं तो गाइस फायदा तो होता ही है। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है ये वाला ब्रेसलेट, एडी में है ये ब्रेसलेट, गोल्डन कलर में, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव हुआ है। ये मुझे आई गेस 400 या 500 में मिला था, मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। एंड आप ये देखो इसकी शाइनिंग, इसकी क्वालिटी देखो कितनी ज़्यादा प्यारी है, देख रहे हो? और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे टाई करने के लिए, लाइक ऐसे करके आप जितना चाहे लूज कर सकते हैं और जितना चाहे टाइट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, सो क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी प्राइस के अकॉर्डिंग। ये कितनी प्यारी शाइनिंग है। और गाइज मैं इसको 4-5 बार वियर कर चुकी हूँ और ना तो इसकी शाइनिंग गई है और जो इसकी पॉलिश वगैरह है ना वो भी नहीं गई है। ये देखो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और ना बहुत सारे और भी डिज़ाइंस है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें जो ये डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये कुछ लीव्स काइंड ऑफ डिज़ाइन बना हुआ है, जो लीव्स होती है ना उस टाइप का ये डिज़ाइन बना हुआ है। आप और चाहें तो आप और चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ना और भी डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। तो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाले ब्यूटीफुल से इयररिंग्स स्टड, जो कि हैं ये मल्टी कलर में। ये देखो कितने ज़्यादा प्यारे हैं। सो ये मुझे 50 रुपीज़ में रिसीव हुए थे। आई नो उसके साथ डिलीवरी चार्जेस थे, बट ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे तो मैंने ये परचेज कर लिए। ये देखो काफ़ी क्यूट से स्टड लग रहे थे, राउंड शेप में हैं ये और इनमें कलर्स भी काफ़ी सारे हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। आई नो कि जो बोलेंगे कि ये आपको शॉप पे 50-50, 20-20 रुपीज़ में मिल जाते होंगे, बट ये मुझे ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे सो मैंने परचेज कर लिए। ये देखो सो यहाँ पे ना ये स्टोन भी लगाए गए हैं, ये कुछ गोल्डन कलर के ना, सो काफ़ी क्यूट से लग रहे हैं। ये देखो मैं आपको ना ऐसे ही थोड़ा सा पहन के दिखा देती हूँ तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ओके सी, ऐसे स्टड्स ना मुझे काफी अच्छे लगते हैं। अनदर कि वो एक ड्रॉप इयरिंग्स टाइप होते हैं ना, मुझे वो उतने ज्यादा पसंद नहीं आते जितने मुझे ये स्टड पसंद आते हैं। तो आप चाहें तो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको शॉप पे मिलते हैं तो आप शॉप से ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम चलते हैं ये सेट पे, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। सो ये मुझे ऐसे ही बॉक्स में रिसीव हुई थी। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगी इयररिंग्स, जो कि ये अलग से ही हैं, मतलब अलग से आए थे। सो ये कुछ इस टाइप के इयररिंग्स हैं, जहाँ पे ये रियल मिरर्स लगाए गए हैं, ये 3 झुमकियाँ लटकाई गई हैं नीचे, काफ़ी क्यूट सी। सो ये ना मेरे इस आउटफिट पे काफ़ी अच्छे लगेंगे, तो मैं इन्हें वियर कर लेती हूँ। ओके सो गाइज ये ना देखने में बहुत ज़्यादा हैवी लग रहे हैं, बट ट्रस्ट मी बहुत ही लाइट वेट इयररिंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये देखो लग रहे हैं ना सुंदर। जो ऑक्सीडाइज लवर है ना, जिनको ऐसी ज्वेलरीज पसंद है, वो ऐसी ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारी एंड क्यूट लगती हैं। कुर्तीज़ वगैरह पे वियर करो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ, ये आपको पूरा सेट मिल जाता है। वेट मैं इन्हें उतार लेती हूँ। सो ये आपको पूरा सेट मिल जाता है, ये इसमें आपको इयररिंग्स मिलेंगे कुछ इस तरीके के राउंड में। ये है ये इयररिंग्स, क्वालिटी अगेन मस्ट, बहुत ही अच्छी। उसके साथ आपको ना एक टीका मिल जाता है सी, कैसी लग रही हूँ मैं इसके साथ ही टीका मिलता है। मैं आपको ना सारी चीजें वियर करके दिखाती हूँ। ओके ये देखो ऐसे भी कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है और मेरे इस आउटफिट पे कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताना। पता है इसको आई थिंक सेल्फ लव भी बोलते होंगे, बिकॉज जब ना मैं ऐसी अच्छी लगती हूँ ना तो मैं ऐसे ही करती हूँ और उसके साथ जो हमें मिलता है वो मिलता है ये चोकर। ये देखो कितना प्यारा है ये, देखो मेरे इस आउटफिट भी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड गाइस आप मानोगे नहीं, मुझे कुछ 150 के अराउंड मिला, जिसमें आपको इयररिंग्स भी मिल जाते हैं, मांग टीका भी मिल जाता है और इतना प्यारा ये सेट मिल जाता है गले का, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे ब्यूटीफुल लगता है। मैं ना ये बहुत जगह वेयर कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आप ना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आप चाहें तो इसे, आपको बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है तो आप सिर्फ यही वेयर कर सकते हैं, जैसे आप कहीं शादी वादी में जा रहे हो और नॉर्मली आप जैसे कहीं ऐसे घूमने जा रहे हो तो ये मांग टीका मत वेयर करो, सिर्फ इयररिंग्स एंड गले में वेयर कर लो,
तो बस और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, आप तैयार हो जाओ। इतना ज्यादा प्यारा ये सेट है और क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी, कहीं से भी ये नहीं है ये काला है या कैसा भी है, बहुत अच्छी लगी। सो आप इन पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और गाइस जो मैंने पहले इयररिंग्स दिखाए हैं ना वो इसके साथ नहीं है, वो अलग से है इयररिंग्स, और उनका भी प्राइस कुछ 150 या 160 के अराउंड है, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। बाकी बॉक्स में मुझे ये ऐसे ही रिसीव हुए थे, इसी बॉक्स में आए थे ये। ओके सो अब नेक्स्ट अपनी ज्वेलरी की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट ज्वेलरी है मेरे पास ये, अगेन ऐसी बॉक्स में मुझे मिली थी। सो ये मैंने हल्दी के पर्पज से ली थी, जब मेरे भाई की हल्दी थी तब। तो फर्स्ट मैंने ये वाले इयररिंग्स लिए थे, ये देखो आप ना इनको ऐसे भी पहन सकते हो, ये देखो लग रहे हैं ना प्यारे कितने कानों में। तो ये भी मैंने अलग से लिए थे, बट ये मुझे बॉक्स में रिसीव नहीं हुए थे, ऐसे ही एक पाउच में मुझे मिले थे। और ना आपको मन नहीं है ना कानों में भी कुछ वियर करने का, तो आप ना इसको एज अ मांग टीका भी वियर कर सकते हो। ये देखो लग रहा है ना कितना प्यारा। एंड ये भी गाइज मुझे 120 के अराउंड ही मिलेगा मिला होगा। मैं ना जो भी डिटेल्स वगैरह होंगी स्क्रीन पर मेंशन करती जाऊंगी, तो आप वो देख लीजिएगा। तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो ये देखो कितना ज्यादा ये पर्ल का वर्क किया हुआ है, और कुछ इस टाइप से यहाँ पे ये फ्लावर बनाया गया है, काफी ज्यादा प्यारा है। सीड्स वगैरह जो यहाँ पे लीव्स वगैरह लगाई गई है, ये देखो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। क्वालिटी मस्त है, एकदम मस्त, देख रहे हो आप, काफी प्रिटी से इयररिंग्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर मैंने लिए थे वो है ये, बहुत ही अगेन ब्यूटीफुल इयररिंग्स। ये देखो येलो कलर में है ये इयररिंग्स, इसमें आपको 8 to 10 कलर्स मिल जाएंगे, तो आपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। मुझे हल्दी के पर्पज से चाहिए थे इसलिए मैंने ये येलो कलर के लिए, काफी ज्यादा प्यारे हैं। लाइक आप देखो इनकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैं आपको एक बार वेयर करके दिखाती हूँ। ये ना इसलिए लटक रहे हैं क्योंकि मैंने इनमें से वो जो डार्ट होती है ना पीछे वाली वो नहीं निकाली है, पता नहीं फंसेंगे नहीं फंसेंगे। तो मैं आपको ऐसे पहन के दिखा दूँ, ये देखो लग रहे ना ब्यूटीफुल। ये देखो आपको ना कुछ और वियर करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप अपने कानों में ये वियर कर लो, बस यू गुड टू गो। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, ये देखो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना, झुमके टाइप इयररिंग्स से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। मुझे तो ये बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे लगे और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी आई है, तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ जो मैंने हल्दी के पर्पज से ही ली थी और मैंने इसके साथ ही वो खरीदी थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। वो है ये बैंगल्स का सेट, ये देखो बहुत लोगों को पता होगा, इसमें भी आपको 8 to 10 कलर्स मिल जाते हैं इस सेट में, और ये मुझे कुछ 250 के अराउंड मिला था, ऐसे ही बॉक्स में मुझे ये रिसीव हुआ था। और मैं आपको सेट दिखा देती हूँ पूरा, ये सेट कैसा है। सो ये यहाँ पे ये देखो ये कुछ इस टाइप से लटकन दिए गए हैं, और ये आपको ये पूरा सेट मिल जाता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेट लगता है वियर करने के बाद, मैं आपको एक बार वियर करके दिखा दूँ। वैसे तो सब कुछ ठीक है, बट जो इसका आगे वाला ये कंगन है ना, ये थोड़ा सा मुझे टाइट आता है। ये देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ना, साड़ी वगैरह पे वियर करो और कुर्ती वगैरह है तो आप एक हाथ में वियर करो, काफी ज्यादा सुंदर लगता है। ये देखो लग रहा है ना, लहंगा वगैरह है या आपकी खुद की हल्दी है उसमें भी ये बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। और इनकी क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी रिसीव हुई, कहीं से भी कुछ भी डैमेज नहीं था, और मैंने 2 बार भी पहन चुकी हूँ, तो इनमें से कुछ कलर वगैरह या कुछ जो इसकी पॉलिश वगैरह ना वो कुछ भी नहीं हटी है, तो क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो प्राइस था वो कुछ 256 के अराउंड था, तो आप ना इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज ना ये ना बहुत टाइम तक चलती हैं। आप जब कभी फंक्शन है तो उसमें वियर कर लो, या आपके पास कभी कोई साड़ी है, ऐसे तो है नहीं कि साड़ी नहीं होगी कोई इस कलर की, तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो गाइस ये सारी ज्वेलरीज है ना, जब मेरे भाई की शादी थी ना मेरी बुआ के बेटे की, सो ये सारी ज्वेलरी मैंने जब जब खरीदी थी, जब हल्दी थी मेहंदी थी, तो अब मैं दिखाती हूँ आपके मेहंदी के पर्पज से जो मैंने ली थी, बट मैंने मेहंदी पर वियर नहीं की थी, मैंने भैया की शादी पर वियर किया था। सो ये था, ये पूरा सेट था, ठीक है। सो मैं स्क्रीन पर मेंशन करूंगी तो आप देखना, बहुत ही प्यारा सेट अगेन। तो ये भी मुझे कुछ 200 में रिसीव हुआ था। सो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है ये सेट, ये देखो देख रहे हो ये पूरा वर्क हो रखा है इस पर। और मैं आपको वियर करके दिखाती हूँ एक बार, तो आपको ना जब चीज वियर करते हैं ना तो अच्छे से क्लियर होती है चीज। ओके सो थोड़ा टाइट करना पड़ेगा मेरे को। ओके सो देवी को ये देखो लग रहा है ना एकदम महारानी टाइप। मुझे ये वाला जो चोकर था ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, इसी की वजह से मैंने ये वियर किया था, और मुझे ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था। आप भी देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। और मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ जो मुझे दूसरा सेट मिला था ये। सो दूसरा सेट था ये वाला, ये देखो ये भी एकदम रानी लुक प्रोवाइड करता है। ये देखो
मैं इसको भी वियर कर लेती हूँ क्योंकि सेट के साथ ही था ये, और वहाँ पे भी ना जहाँ से मैंने परचेस किया था वहाँ भी कैटलॉग में ना कुछ इसी टाइप से दिया हुआ था इन्होंने, दोनों वियर किए हुए थे। लुक समझ में नहीं आएगा बट ये देखो लक कितना ज़्यादा प्यारा है, क्वालिटी कितनी प्रीमियम है, कितनी सुपर क्वालिटी है। और इसके साथ जो इयररिंग्स मिलते हैं ना, छोटे से इयररिंग्स मिलते हैं, स्टड टाइप मिल जाते हैं आपको कुछ इस टाइप के, बिकॉज आपको आपको गले में बहुत हैवी सा सेट मिल जाता है तो इस वजह से आपको इयररिंग्स छोटे मिलते हैं, और वो कहीं तक सही भी है बिकॉज सब चीज़ भरी भरी हो जाएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। सो ये देखो इतना सुंदर आपको ना कहीं नहीं मिलेगा, शॉप पे भी नहीं मिलेगा, मतलब इतना सुंदर और इतना सस्ता कह सकती हूँ मैं, बिकॉज 200 या 250 में आपको ये दोनों चीज़ें मिलती हैं विद इयररिंग्स। सो मस्ट हैव है, ज़रूर चेकआउट करना। एंड इसमें ना तीन कलर्स हैं, एक ये वाला है और एक मरून काइंड ऑफ है, एक तीसरा पता नहीं कौन सा है, आप देखना कोई भी आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करना इसमें, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस अकॉर्डिंग वर्थ पाएंगे। सो ये भी 100% बहुत अच्छा है तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सो अब हम इनको निकाल देते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ, उससे पहले मैं इनको ज़रा रख देती हूँ। नेक्स्ट है झुमकी का पैर। सो ये भी ऐसे बॉक्स में रिसीव हुआ था मुझे। सो गाइस जो गर्ल्स कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं ना, और जो ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं जिनको ना अपनी हर कुर्ती पे मैचिंग झुमकीज वेयर करना पसंद है बट अलग अलग लेते हो तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो आप इन पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत अलग अलग वेरायटी में आपको, ह्यूज वेराइटीज में आपको मीशो पे ऐसी झुमकीज मिल जाएंगी जो अलग अलग डिजाइन में मिल जाएंगी। तो मैंने कुछ इस टाइप की ये परचेज करी थी, तो इनमें ना आपको और भी शेड्स मिल जाएंगे, अगर आपको ऐसे वाले कलर्स नहीं पसंद तो आप उनमें चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से हैं, ये आपको ब्लैक मिल जाता है, पिंक मिल जाता है, व्हाइट, रेड, मरून एंड ग्रीन, आपको इतने सारे कलर्स मिल जाते हैं, तो आप इन पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड गाइस आप यकीन नहीं मानोगे इनकी क्वालिटी इतनी अच्छा है, ऑल्सो ना जो इनका प्राइस है ना वो कुछ 156 के अराउंड है, तो मस्ट हैव है, ये भी आपको 100% परचेज करना चाहिए, बहुत ही अच्छी है ये। और ना इनमें और भी डिजाइन है, आप ना स्क्रीन पे देखना आपको पता चल जाएगा, ये देखो कितनी ज्यादा प्यारी है, ये देख रहे हो, आपको क्लियर हो रहा होगा आपको ये। सो काफी ब्यूटीफुल है, सो आप इन पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि सभी मैंने कॉम्बो में ही परचेज किए, बिकॉज मीशो पे ना कॉम्बो में काफी ज्यादा फायदा होता है, अगर आप सिंगल लेंगे ना तो महंगे आते हैं, तो उनमें इन्वेस्ट करने के बजाय आप कॉम्बो में लेंगे तो आपको फायदा होगा। सो गाइस अब मेरे पास टू इयररिंग्स के पेयर्स हैं जो कि मैंने पेयर्स में ही लिए हैं। सो फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी ये वाले, ये मुझे कुछ 156-200 के मिले हैं। तो ये आपको दो पेयर्स मिल जाते हैं जिसमें आपको कॉडी बोलते हैं ना, शेल्स बोलते हैं, कुछ इस टाइप का आपको ये पैटर्न मिल जाता है। फर्स्ट है ये हुप्स, तो ये कुछ इस टाइप के हैं, ठीक है, एडजस्टेबल, जैसे यहाँ से ये ओपन करने वाले होते हैं लॉक वाले यहाँ से, सो ये हैं। और दूसरे हैं मेरे पास ये पर्ल एंड शेल्स वाले, काफी ज्यादा प्यारे हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इनकी, पहन के भी ना ये हुप्स काफी अच्छे लगते हैं। सो मैंने आपको ड्रॉप इयररिंग्स भी दिखा दिए और आपको हुप्स भी दिखा दिए एंड आपको स्टड्स भी दिखा दिए, क्योंकि मैं सब वेयर करती हूँ, मुझे सब अच्छे लगते हैं, तो आप ना इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मुझे एक साथ मिले थे कॉम्बो में ही, और क्वालिटी की बात करूँ तो मस्ट क्वालिटी है, प्राइस के अकॉर्डिंग भी वर्थ पाएंगे, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसके बाद दूसरा जो मैंने लिया है वो है ये। सो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पे मैंने क्या मंगाया था और मुझे ये क्या रिसीव हुआ। सो ये कुछ इस टाइप का मेरे को ये रिसीव हुआ है, ये आगे से ना ये एडी वर्क किया हुआ है और पीछे से ना ये कुछ पर्ल ड्रॉप लगाया गया है, जैसे आप मतलब ऐसे वियर करोगे, यहाँ से ऐसे निकालोगे, मैं आपको एक बार वियर करके दिखाती हूँ। सो आप ये है ना, यहाँ से आप इसको अपने कान में डालोगे, इसको ऐसे करके एंड देन ओके कहाँ फंस गया। सो आप इसको ऐसे वियर करोगे, थोड़ा टाइम लगता है ना वियर करने में। सो आप ये जो पर्ल है ना आप इसको इसमें फंसा दोगे, सो ये कुछ इस टाइप से डिजाइन बन जाता है, ये देखो। सो मैंने मंगाया कुछ और था बट मुझे ये रिसीव हुआ, बट मैंने ना वापस नहीं किया क्योंकि मुझे ना ये भी काफी ज्यादा अच्छा लगा, जो आजकल ना ट्रेंडिंग नहीं चल रहे बहुत ज्यादा, जिनको कोरियन स्पेशल इयररिंग्स बोलते हैं मे बी शायद, सो अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये काफी ज्यादा चल रहे हैं, तो मैंने सोचा एक मंगाती हूँ और मुझे ये वाला रिसीव हुआ, जबकि मुझे रिव्यूज काफी अच्छे थे उसमें, बट मुझे ये रिसीव हुआ, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आप चेकआउट कर सकते हैं, और ये भी कुछ 150 या 200 के अराउंड ही था और काफी अच्छा लग रहा था मुझे। उसके बाद ये है पर्ल ड्रॉप इयररिंग्स, ये हैं कुछ इस टाइप से, ये भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसमें आपको टू शेड्स मिल जाते हैं पर्ल में, एक ये व्हाइट तो है ही और एक आता है व्हाइट और ब्लैक, तो आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी कुछ 150 या 100 के अराउंड ही होगा, और अगेन इनकी भी क्वालिटी सुपर्ब आई है। एंड गाइस जितने भी अब तक के मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए ना आपको, जितने भी ये सारी ज्वेलरी दिखाई है बहुत ही अच्छी है, कोई भी खराब नहीं है, सभी मस्ट हैव प्रोडक्ट्स हैं, आप ना बिना सोचे ना इनको परचेज कर सकते हो, और बहुत प्रीमियम क्वालिटी के साथ ये मुझे रिसीव हुए हैं। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जो ये वाले इयररिंग्स थे जो कि मुझे रॉन्ग रिसीव हो गए, सॉरी जो मुझे रॉन्ग रिसीव हो गए, बट ये मुझे अच्छे लगे तो मैंने रख लिए।
सो ये था मेरा आज का हॉल. आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो कलेक्शन है वो पसंद आया होगा. अगर आपको ऐसी कलेक्शन और चाहिए या फिर जो मैंने इयरिंग आपको दिखाया ये कोरियन स्पेशल जो इयरिंग है ट्रेंडी, अगर आपको इनमें से इयरिंग्स और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं और वीडियो ऐसी लेकर आऊंगी. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.